थाने पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग्स फैक्ट्री चलाने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में एक के बाद एक करके अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाने क्राइम ब्रांच ने पहले 2 आरोपियों को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपियों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उनसे मिली जानकारी के आधार पर एक एक करके 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपियों से पूछताछ और मोबाइल फोन का व्हाट्सएप चैट इनके खिलाफ सबसे अहम सुराग साबित हुआ। व्हाट्सएप चैट में ये आरोपी महाराष्ट्र के रत्नागिरी, खेड़ में और तेलंगाना में ड्रग्स फैक्ट्री खोलने की बात कह रहे थे। यही नहीं, इन जगहों पर ड्रग्स फैक्ट्री के उपकरण और बाकी तमाम सामग्री भी पहुंचाई गई थी। लेकिन उसके पहले क्राइम ब्रांच ने छापेमारी कर सभी को गिरफ्तार कर लिया और ड्रग्स बनाने वाले सामान को जब्त कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि इनकी एक और फैक्ट्री हरियाणा में भी थी, लेकिन 2022 में DRI ने छापेमारी कर उसे सीज कर दिया था। वहीं इस गैंग का मुख्य मास्टरमाइंड राजू सिंह उर्फ संतोष सिंह है, जो अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश रही है। थाना क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक सेल का जो काम है, उनको एक इन्फॉर्मेशन आई थी। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शिंदे और PI बने और उनकी टीम को एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक जगह पे MD बेचने के लिए आदमी आ रहा है, आरोपी आ रहा है। तो उन्होंने ट्रैप लगाया था, उसमें जितेंद्र चौहान और सचिन चौहान ऐसे 2 आरोपी ट्रैप में पकड़े गए। उनके पास से लगभग 63 ग्राम MD बरामद हुआ और उसका लगभग 2,52,000 उसका वैल्यू है। उसके बाद हमने गुना दाखिल किया। इंट्रोगेशन में बाद में ऐसा पता चला कि इसके पीछे दिनेश कोडमुरकर के नवी मुंबई का जो आरोपी, उसने इनको बेचा है। तो दिनेश कोडमुर के ऊपर हमने ट्रैप लगाया, उसके पास से हमें लगभग 54 ग्राम MD उसको बरामद हुआ और उसका लगभग कीमत है 2,16,000। तो दिनेश कोडमुर को अरेस्ट करने के बाद ऐसा पता चला कि उसके पीछे भी सलाहुद्दीन शेख करके एक एजेंट है जो मुंब्रा का रहने वाला है, वो एक्चुअली उसने इसको बेचा है। ये इसको भी अरेस्ट किया। तो उसके बाद पता चला कि उसका जो मालिक है अभिषेक कुंतल, ये इसमें एक्चुअली मेन विक्रेता है। तो उसको भी हमने अरेस्ट किया। उसको अरेस्ट करने के बाद जब हम इंट्रोगेशन किया और उसका जो सब डेटा वगैरह हमने एनालिसिस किया, तो उसमें ऐसा पता चला कि ये जो है अभिषेक कुंतल, ये फैक्ट्री MD प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री बनाने का उसका काम चल रहा था। उसके जो व्हाट्सएप चैट है उसमें MD बनाने के लिए जो केमिकल लगते हैं, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, उसका कहाँ पे मिलता है वगैरह, ऐसा कॉन्वर्सेशन उसका है। और जो उसमें रिएक्टर उसमें लगते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो रिएक्टर भी उन्होंने एक जगह पे खेड़, रत्नागिरी का खेड़ जो है MIDC, वहाँ पे उन्होंने रिएक्टर भी ला के रखा था। वहाँ पे एक लैंड भी उन्होंने देख के रखी थी, उसका इनिशियल डीलिंग चल रहा था। और ये पूरा उनका फैक्ट्री सेटअप करने के लिए उनका पूरा ये चल रहा था। इनिशियल स्टेज में ही इन्वेस्टिगेशन में पता चलने की वजह से उनका जो आगे का जो मंशा थी वो कुछ सफल नहीं हो पाई, उसमें वो अरेस्ट हो गए। उसमें और एक मास्टरमाइंड जो संतोष सिंह करके है, वो एक्चुअली इसमें मास्टरमाइंड है। और ये और अभिषेक कुंतल और उसके और 2-3 साथीदार मिलके उन्होंने हरियाणा में एक फैक्ट्री सेटअप किया था। उसमें प्रोडक्शन बाकायदा MD का चालू था और तब जुलाई 22 में यहाँ पे DRI ने रेड करी और DRI ने वहाँ पे ये सब जो आरोपी थे उनको अरेस्ट किया। वहाँ पे वो सब फैक्ट्री वगैरह सील की, लगभग 661 kg MD वहाँ से बरामद किया उन्होंने। और उसमें राजू सिंह उर्फ संतोष सिंह उर्फ राजू, उसमें अरेस्ट किया गया और उसमें अभिषेक कुंतल भी शामिल था। और उसको हमने फिर अभी यहाँ पे अरेस्ट किया है, उसको DRI ने अभी ट्रांसफर करके लिया है। और संतोष सिंह जो DRI की मैजिस्ट्रियल कस्टडी में है, वो भी हम अभी इसमें ट्रांसफर करके लेने वाले हैं। तो एक बहुत ही इनका इंटरस्टेट एक रैकेट था जो हरियाणा में फैक्ट्री सेटअप ऑलरेडी कर चुके थे, हैदराबाद में करने का उनका चल रहा था, महाराष्ट्र में भी इनिशियल स्टेज में उनका फैक्ट्री सेटअप करने का चल रहा था। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई थाना आयुक्तालय की तरफ से थाना क्राइम ब्रांच ने की है। इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी राजू सिंह